हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो की नई सेटिंग के बारे में। वैसे कि जियो की APN सेटिंग के बारे में मैंने अपने इस चैनल में पहले भी बताया है। 2017 में जो APN सेटिंग आई थी, कई जनों के जियो की 4G स्पीड नहीं आ रही थी, मगर उस सेटिंग को जो कि मैंने बताई थी, उसको करने के बाद कईयों की मोबाइल की स्पीड नेट की बहुत ही अच्छी हो गई थी। तो अब 2018 में जियो ने अपनी नई APN सेटिंग दी है। यदि आप उसको कर लेंगे तो आपकी जियो की स्पीड, आप कहीं किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं जहाँ जियो के नेटवर्क बहुत कम आते हैं, अगर मेरी बताई हुई आज की सेटिंग आप कर लेंगे तो 100% आपकी जियो की स्पीड बढ़ जाएगी। तो और एक और बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये जियो की नहीं, आप पे कोई सा भी सिम हो, चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे वोडाफोन का हो, चाहे टाटा डोकोमो का, कोई भी अगर 4G नेटवर्क पे नहीं भी है तो भी उसकी स्पीड अच्छी देगा। तो फ्रेंड, उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो ये सब्सक्राइबर का बटन आ रहा है इसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन आ रहा है इसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी को दबाने के बाद आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दिल में कोई भी कॉमेंट हो मेरे यूट्यूब चैनल या किसी भी वीडियो से, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और जो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सअप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं यदि आपके दिल में कोई सवाल है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें फ्रेंड, आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद सिम नेटवर्क होगा, किसी में ड्यूल नेटवर्क होगा, मेरे सेल में सिम नेटवर्क है, तो सिम नेटवर्क में गए, आप पे ड्यूल होगा तो ड्यूल नेटवर्क में जाना। और जो सी भी आपने सिम सेटिंग करनी है, सिम वन पे करनी है, सिम टू पे, जैसे मैं तो जियो का चला रहा हूँ तो मैं जियो की करके बता रहा हूँ आपको, जियो की उस पर सिम में गए, उसके बाद आपने जाना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक, इसको ओपन करना है। उसके ओपन करने के बाद यहाँ पे आप पे डिफ़ॉल्ट पहले से ही जियो की सेटिंग पड़ी होगी, तो आप इसे क्या करें, यहाँ जाएँ, और यहाँ जाने के बाद इसको डिलीट APN कर दे। पहले मैंने कल रखी ऑलरेडी, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डिलीट APN करने के बाद न्यू APN बना ले। अब न्यू APN कैसे बनता है, न्यू APN इस तरह बनता है, यहाँ से बाहर आता हूँ मैं, ये प्लस का आइकन होता है वहाँ, और न्यू APN यहाँ आ जाता है, ठीक फ्रेंड। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। यहाँ गए, सबसे टॉप पर आपने लिखना है जियो, नेम पे जियो, JIO, ओके कर दें, इसके बाद ध्यान से देख लें। सेकेंड, APN में जाएँ, APN पे जियो नेट, सब स्मॉल में ही होगा, जियो नेट, ओके कर लें। देन उसके बाद नीचे की तरफ आए, जो सबसे पहला चेंज आएगा सर्वर, सर्वर में पहले फ्रेंड जो 2017 में मैंने बताया थी उसमें था www.jio.com, अब की बार न्यू है, न्यू कोड लगाया है जियो की तरफ से। अब आपने लिखना है, ध्यान से देख लें, www.wfgio5% 4g.com, फिर बता देता हूँ www.wfgio5% 4g.com। अगर मान लो कि अब आपने जियो के अलावा एयरटेल का करना है या वोडाफोन का करना है, तो उसका कोड लगा दोगे wfvodafone5% 4g.com, इस तरह ओके कर दें। ओके करने के बाद बाहर आए, बाहर आने की तरफ ऑथेंटिक टाइप में जाए, ऑथेंटिक टाइप में पुराने वाली सेटिंग में जियो में था वो नन था, NONE जो टॉप पे है, अब आपने करना है PAP, ये करके ओके कर दें और बाहर आ जाए, ठीक। उसके बाद आपने APN प्रोटोकॉल, पुराने वाली पे APV4/APV6 था, आप APV4 कर लें, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में APV4 कर लें, इसमें पुराने वाले पे था APV4/APV6, अब इसमें APV4 कर लें, ठीक। अब आते हैं हम बेरर की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ हम क्या करते थे, पहले सिर्फ यहाँ LAT लिखते थे या अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो पुरानी वाली सेटिंग जो मैंने बताई थी आपको जियो, उसमें LAT था, मगर अब क्या करें, इसमें सब में जितने भी हैं नेटवर्क, सब में टिक लगा रहे, सॉरी मैंने एक पे नहीं लगाया था, ये सब में ही टिक लगा लें, इस तरह, ठीक। ये सब में टिक लगाने से क्या होगा कि मान लो कि आपके उधर 4G का नेटवर्क नहीं है, तो और कोई और 3G नेटवर्क हो वो कनेक्ट कर लेगा, या 2G में नेटवर्क हो कोई भी कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि कई जगह पे जियो के 4G टावर अभी नहीं पहुंचे, तो आसपास के टावर कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए सब पे ही टिक लगा के ओके कर दें, ठीक फ्रेंड। अब MN जो MVNO टाइप था, इसे SPN ही रहने दे, पुरानी वाली सेटिंग में भी SPN ही था और अभी भी SPN ही रहने दे, इसे ओके करने के बाद आप और कुछ ना छेड़े, ये MNVO जियो 4G ही रहने दे और ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे सेव कर दें, सेव करने के बाद बाहर आ जाएं, बाहर आने के बाद फ्रेंड एक काम करें,
आप अपना सेट थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, बंद करने के बाद दोबारा खोल लें तो आपके आसपास अभी देखो मेरे पे 4G के टावर आप टॉप पे देख रहे हो पूरे के पूरे आ रहे हैं और 4G बहुत ही अच्छा चल रहा है ये जियो की नई सेटिंग करने के बाद। मेरा भी थोड़ी देर प्रॉब्लम आ रहा था मगर अब बिल्कुल ओके चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपके दिल में कोई भी कॉमेंट है तो इस वीडियो के नीचे लिख के या जो व्हाट्सअप स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं यदि जियो की APN सेटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। और जो भी कोई भी नया मेहमान मेरे इस YouTube चैनल में आया उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह काम की एक वीडियो डेली पोस्ट करता हूँ जो आप लोगों के बहुत ही काम आती है। तो मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।